अब जो हमारा सीपीसी में केस आया है इसका नाम है इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली 1974 सुप्रीम कोर्ट। ये केस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है जिसके रिगार्डिंग ये केस है, रेस जुडिकाटा। मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट जो एलएलबी कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रेस जुडिकाटा के बारे में डरते भी हैं, जानते भी हैं, बट बहुत आसान कंसेप्ट है। लेकिन इस केस में लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व था, क्या क्वेश्चन था, इसमें सवाल था वेदर प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा द प्रिंसिपल, बेसिकली ये प्रोविजन नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई बिटवीन द को प्लेंटिफ्स। देखिए इस केस में तो था कि को प्लेंटिफ, आप समझते हैं ना को प्लेंटिफ क्या होता है, मान लीजिए ए बी और सी ये तीनों मिलकर केस करते हैं किसी के ऊपर, तो ये है को प्लेंटिफ और ई एफ जी ये है को डिपेंडेंट। हालांकि ये केस केवल को प्लेंटिफ के बारे में था, मगर को प्लेंटिफ और को डिपेंडेंट के रिगार्डिंग रूल सेम है। तो इस केस में असल में फैक्ट्स क्या थे, देखिए इस केस में दोस्तों तीन लोग थे, अहमद, मेहरबान और अली, बेसिकली फातिमा, अहमद, फातिमा और अली, ये तीनों एक क्लेम करते थे टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ द मोर्टगेज कि इनके पास कोई मोर्टगेज है। वो टाइटल अल्टीमेटली कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो अहमद के नाम पे आया बिकॉज अहमद को वो उसकी मदर से मिला है, तो उसमें क्या हेल्ड किया कि अहमद का तो राइट है मगर फातिमा और अली का उसमें कोई राइट नहीं है। कोई बात नहीं, सिविल सूट है, सिंपल हो गया डिसाइड। उसके बाद दोबारा से सूट आता है जिसमें एक तरफ अहमद है और दूसरी तरफ फातिमा और अली है। अब सवाल आया कि एक चीज जो फातिमा और अली के खिलाफ डिसाइड हो चुकी है तो उसके बाद क्या होगा, जब ये दूसरा सूट डला उसको क्या किया, जज साहब ने रेफर कर दिया टू आर्बिट्रेशन, और आर्बिट्रेटर साहब के पास जब गया विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द फैक्ट, आर्बिट्रेटर साहब ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि यस इवन फातिमा एंड अली आर को भूमिदार, उनका भी हिस्सा है, एंड नॉट ओनली दैट उन्होंने कहा जो पिछली हाईकोर्ट की जजमेंट है जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ अहमद का राइट है, वो जजमेंट इस पर रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई नहीं करेगी। यही बात सिविल कोर्ट के पास जब गई तो उन्होंने भी यही बात मानी, मगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा नो, ये तो एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाईकोर्ट की जजमेंट उन दोनों के खिलाफ जो थी वो एप्लीकेबल ना हो। मगर डिस्ट्रिक्ट जज की जजमेंट जिसमें उन्होंने सिविल कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स किया था उसको फर्दर रिवीजन में हाईकोर्ट ने रिवर्स कर दिया और हाईकोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। नाउ द क्वेश्चन केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अथॉरिटीज को फॉलो किया, वो अथॉरिटीज सबसे पुरानी अथॉरिटी जो है इसमें ये कॉटिंगम वर्सेज अर्ल ऑफ स्क्रूबरी एंड मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकनाथ 1930। देखिए मुन्नी बीबी का जो केस हुआ था इट इज अबाउट को डिफेंडेंट्स, तो इसमें चार प्रिंसिपल्स बताए गए थे। अगर मैं आपको समझाऊं साधारण भाषा में तो ये क्या कहते थे, ये प्रिंसिपल मैं आपको प्रिंसिपल पढ़ के भी बता दूंगा। ये चार प्रिंसिपल ये कहते थे कि ठीक है मान लीजिए एक केस डला, इन्हीं दो आप इस केस को ऐसे ले लीजिए कि ए ने कोई केस डाला EFG के खिलाफ। Now it says, now जो EFG है ये, क्या जो ये केस का डिसीजन है, जो A जो रिलीफ चाह रहा है, A का जो इशू है, उसको डिसाइड करने के लिए कोई ऐसा चीज है जो इनके बीच में पहले कोई झगड़ा डिसाइड करना हो? यदि हाँ, तो भैया इनके बीच भी रेस जुडिकाटा लगेगा। लेकिन A को रिलीफ देने के लिए अगर इनके बीच में कोई झगड़ा डिसाइड नहीं करना तो रेस जुडिकाटा की आवश्यकता नहीं है, तो इनके बीच रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो ये बेसिक बात थी, मैं आपको वो प्रिंसिपल भी पढ़ के बता रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो प्रिंसिपल कहते थे दैट देयर मस्ट बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द को डिफेंडेंट, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देयर मस्ट बी नेसेसरी टू डिसाइड द कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द प्लेंटिफ, इसको रिलीफ देने के लिए इनके झगड़े का रिजॉल्व होना
डिसाइड होना जरूरी था. रिजोल्व होने का मतलब डिसाइड होना जिस भी तरफ. द क्वेश्चन बिटवीन को डिफेंडेंट मस्ट हैव बीन फाइनली डिसाइडेड. अब जो पहले देखिए उस केस में हाई कोर्ट में जाके फाइनल हो गया था ना, हर्ड एंड फाइनल, उसके बाद कोई अपील पेंडिंग नहीं थी. तो वो जो इनके बीच का झगड़ा है वो फाइनल डिसाइड हो चुका होना चाहिए. द को डिफेंडेंट्स वर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज इन द फॉर्मर सूट. जो ये जो केस था उसमें ये प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी होने चाहिए. अब हालांकि प्रॉपर नेसेसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है. कमिंग बैक टू द प्रेजेंट केस, द सुप्रीम कोर्ट सेड जो मुन्नी बीवी में प्रिंसिपल हुआ लेट डाउन, तो वो प्रिंसिपल के बेस पर क्या हुआ? उस प्रिंसिपल का मतलब है सिमिलरली वो प्रिंसिपल प्लेंटिफ पर भी एप्लीकेबल होंगे. प्लेंटिफ पर भी एप्लीकेबल होंगे तो इस केस में, इन द केस इन हैंड, उन्होंने कहा द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने ये हेल्ड किया था, जो जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जो प्रीवियस थी, जिस जो कि जिसमें अहमद के राइट्स को फोर्टिफाई करा गया था और कहा गया था कि फातिमा और अली के राइट नहीं है, दैट जजमेंट विल एक्ट एज अ रेस जुडिकाटा इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सूट बिटवीन द को प्लेंटिफ. सो अब ये केस था. इस केस से हमारा टेक अवे क्या है, हम इससे क्या निचोड़ निकालते हैं? दैट वेदर इट इज अ केस ऑफ को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट, रेस जुडिकाटा मे अप्लाई. व्हेन आई से मे अप्लाई, वॉच माय वर्ड्स, बिकॉज मे इसलिए कि तभी अप्लाई करेगा कि अगर वो चार प्रिंसिपल्स होंगे. कौन सा? ध्यान है ना, कौन सा? कि जब इसको राइट देने के लिए इनके बीच की डिस्प्यूट डिसाइड करनी नेसेसरी होगी. ओके, तो स्टूडेंट्स विद दिस आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. द केस नोट्स यू कैन गेट फ्रॉम राइटिंग टू अस और व्हाट्सएप हमारे नंबर पर. यू विल कैन गेट द PDF एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सर्च इट ऑन द वेबसाइट. Thank you so much. Wish you good luck for the coming exams.